एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कायमा और आज मैं वीडियो लेकर आई हूं टीन एज के लिए, यानी जब आपकी एज हो 13 इयर्स से 17 इयर्स के बिटवीन तो आप कहलाते हैं टीन एज। इस एज के अंदर जो है स्किन केयर करना बेहद जरूरी होता है और हम ज्यादातर टाइम जो है इसको बिल्कुल फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से हमें करना पड़ता है एक्नी का बहुत ज्यादा सामना। और इस एज में एक्नी इसलिए हमें फेस करनी पड़ती है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी स्किन ज्यादा से ज्यादा या तो सीबम प्रोड्यूस कर रही होती है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें ड्राई और पैची स्किन का जो है वो सामना करना पड़ता है और हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और फिर वो कंडीशन जो है वो खराब से खराब होती चल जाती है। तो आपने इस एज के अंदर अपनी स्किन केयर का बहुत ख्याल रखना है। मैं आज आपके साथ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो, क्योंकि आई नो इस एज के अंदर कोई भी नहीं कमाता, इसमें हमें अपनी पॉकेट मनी से ही जो है वो सारी चीजें खरीदनी पड़ती है। तो पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होंगे और साथ ही साथ आप उनको डेली रूटीन के अंदर यूज करें तो आपको उनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेकअप यूज करने के बाद जरूरी है कि आप उसको रिमूव भी करें और बगैर मेकअप रिमूव किए कभी ना सोएं। हम जब अपने टीनेज में थे तो उस वक्त हमें कोई समझाने वाला नहीं था, तो हम अब मेकअप करके जाते थे और आपके साथ ही वही मस्कारा और लिपस्टिक के साथ हम सो जाते थे। लेकिन एक्नी जो है वो मुझे उस स्टेज पे नहीं हुई, उसके बाद मुझे एक्नी का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक्नी का सामना करना पड़ता है इस कंडीशन के बाद। तो जरूरी है कि जब भी आप मेकअप करें तो उसके बाद आप मेकअप रिमूवर से जरूर मेकअप को साफ करें। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये सिंपल कम माइसिलर वाटर और सेकेंड गार्नियर का माइसलर वाटर, ये दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों ही जो है वो पॉकेट फ्रेंडली हैं। दोनों ही माइसलर वाटर जो है ये मेकअप जो है अच्छे से रिमूव कर देते हैं, आईज लिप्स और फेस का मेकअप बहुत अच्छे से साफ करेंगे और आपको बिल्कुल फ्रेश और नीट लुक देंगे, जिसकी वजह से आपके पोर्स जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे और जितना उनपे मेकअप लगा है वो हट जाएगा और फिर आपको एक्नी और पिंपल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको एक्सेस सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर भी ये स्किन पर से एक्स्ट्रा सीबम यानी ऑयल को ये रिमूव करेंगे और आपकी स्किन को क्लीन और फ्रेश लुक देंगे। माइसलर वाटर जो है ये 550 रुपीज का है और इसकी क्वांटिटी जो है वो 200 ml की है और ये काफी बिग बॉटल है, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। और इसको कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आपने कॉटन पैड पे लेना है और उसके बाद आपने ऑल ओवर द फेस जो है वो अपना वाइप कर लेना है। आपको किसी मेकअप रिमूवर वाइप्स की जरूरत नहीं है, जस्ट जो है वो है गार्नियर का माइसलर वाटर, ये जस्ट 365 रुपीज में आपको मिल जाता है और इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, ये है 125 ml और ये 60 यूजेस के लिए इनफ होता है। आपको रिमूव कर दें और उसके बाद एक अच्छा सा फेस वॉश यूज करें। मेकअप रिमूव करने के बाद आपको फेस वॉश जरूर करना चाहिए और अगर आपने मेकअप नहीं किया हुआ तो डायरेक्टली आप फेस वॉश कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज पॉकेट फ्रेंडली दो फेस वॉश सजेस्ट करूंगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने यूज करना है हिमालया का नीम फेस वॉश, क्योंकि ये आपकी स्किन ऑयली होने की वजह से सीबम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा तो ये उसको अच्छे से रिमूव करेगा और साथ ही साथ जो है आपको बहुत ही क्लीन फ्रेश लुक देगा। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, पॉकेट फ्रेंडली है, ये 50 ml की क्वांटिटी में आता है और इसकी प्राइस जो है 180 रुपीज है। जेल फॉर्म के अंदर ये फेस वॉश है, लाइट ग्रीन कलर का है इस तरीके से। ज्यादातर ऑयली टू कॉम्बिनेशन फेस वॉशेज जो होते हैं वो इस तरीके की जेल फॉर्म के अंदर होते हैं, ये देखिए। और ये बहुत, और इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो भी नीम वाली है, लगता है कि नीम फेस वॉश जो है वो हम अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से झाग बन जाता है और आपके फेस पर से जो ऑयल है उसको इसने अच्छे से रिमूव कर दिया है। साथ ही साथ आप 8 to 10 hours जो है वो आपके फेस पे बिल्कुल भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा। और सबसे अच्छी इसकी जो बात मुझे लगती है वो ये कि ये स्किन को बहुत एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करता, क्योंकि मोस्टली फेस वॉशेज जो होते हैं वो स्किन को ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन बहुत ही खिंची खिंची सी लगती है। तो ये फेस वॉशेज जो है ऑयली स्किन के लिए, बट ये बिल्कुल भी स्किन के ऊपर से ऑयल को स्ट्रिप आउट नहीं करता, स्किन को क्लींस करता है और एक्नी को भी कंट्रोल करता है। तो इसके बाद अगर आपकी स्किन है ड्राई पैची तो फिर आपने यूज करना है जी ये हिमालया का मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश। ये है मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, तो इस फेस वॉश की बात मुझे ये अच्छी लगती है कि जब आप इसे फेस धो लेते हैं तो आपकी स्किन पे से बिल्कुल भी ऑयल स्ट्रिप नहीं होता और आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिलता है। यानी ये फेस वॉश है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन है ड्राई, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस फेस वॉश की तरफ जा सकते हैं। इसकी प्राइस भी सेम वैसी है, 50 ml की क्वांटिटी है, 180 रुपीज में ये आता है। और क्योंकि ये क्रीमी फेस वॉश है, मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है, तो ये है क्रीम फॉर्म में, ये देखिए इस तरीके की। ये भी ग्रीन कलर का ही फेस वॉश है लेकिन ये क्रीम की तरह है,
और ये बहुत अच्छे से स्किन को क्लींस कर देता है और बहुत हेल्दी ग्लो आता है साथ में और स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता क्योंकि मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है। और इसकी फ्रेगरेंस जो है वो एलोवेरा और कुकम्बर वाली है और इसकी जो दोनों की स्मेल जो है ना वो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आफ्टर फेस वॉश आपको स्किन पर जो स्मेल आती है ना वो बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये दोनों फेस वॉशेज मैं यूज करती हूँ जब समर्स होते हैं क्योंकि उसमें मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, यानी टी जोन जो है ये वाला एरिया जो है ये टी जोन कहलाता है, यानी फोरहेड, नोज और चिन। तो ये ऑयली रहता है तो मैं यूज करती हूँ नीम फेस वॉश, और विंटर्स में मैं मोस्टली यूज करती हूँ ये मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। इसी वजह से मैं ये दोनों फेस वॉशेज जो है वो रेकमेंड करूंगी आप लोगों को। फेस वॉश के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्क्रबिंग नहीं करते तो आपका फेस पर जो डलनेस होती है वो अपेयर होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे स्किन सेल्स जो हैं वो जमा होते होते एक एक पूरी लेयर फेस पे क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से फेस पे जो ग्लो होता है वो उन डेड स्किन लेयर के नीचे छुप जाता है। तो वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक जो है आपको स्क्रब करना चाहिए। और ये है बूट्स का कुकम्बर फेशियल स्क्रब, और ये स्क्रब जो है ये बहुत ही माइल्ड है और इसकी फ्रेगरेंस जो है वो कुकम्बर्स की ही है। और साथ में इसकी जो प्राइस है वो है 550 रुपीज़ ओनली। ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली स्क्रब है और बहुत ही आपकी स्किन पर जाकर ना लाइट लाइट सा है, मतलब लाइक इसके जो बीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन है जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म की कोई हार्श इफेक्ट नहीं देते, टेयर्स नहीं पड़ते और आपकी स्किन जो है इसे यूज़ करने के बाद बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाती है और क्लीन सी लगने लगती है। ये प्लास्टिक की ट्यूब में आता है तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है और यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो है ना वो ऐसी शाइन करेगी ना कि लगेगा कि भाई आज कोई फेशियल करवाया। तो उसकी वजह यही होती है कि स्किन के ऊपर से डेड सेल्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं और स्किन का ग्लो जो है वो वापस आ जाता है। अपने फेस को करना है वेट और थोड़ा सा स्क्रब लेना है, और स्क्रब लेने के बाद आपने फेस पर उसको हल्के हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट मसाज करना है और सिंपल अपना फेस जो है वो पानी से वॉश कर लेना है। यूज करेंगे टोनर। टोनर इसलिए जरूरी होता है, ये आपकी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और स्किन के ऊपर एक अच्छा सा ग्लो और फ्रेशनेस लेकर आता है। आपको टोनर के लिए कुछ भी केमिकल ही अपने फेस पर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस एज में आप जितना कम केमिकल यूज करेंगे उतनी ही आपकी स्किन जो है वो अच्छी हेल्दी रहेगी। तो आप यूज करें नेचुरली, यह है सईद गनी का ग्लिसरीन प्लस रोज वाटर। ग्लिसरीन मैं आपको इसलिए रिकमेंड करूंगी अगर आपकी स्किन ड्राई है क्योंकि विंटर में मोस्टली स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप ग्लिसरीन के साथ यूज कीजिए। और अगर समर्स है तो आप सिंपल रोज वाटर यूज कर सकते हैं। तो ये रोज वाटर ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाता है और साथ ही साथ ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली होता है। ये जस्ट 150 रुपीज की ये बॉटल है और ये अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर है, ये है 120 ml की क्वांटिटी में। पर मेंशन है कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, ये आपके फेस को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा और एक बहुत अच्छा हेल्दी सा ग्लो देगा। तो जब आप समर्स में बाहर से आते हैं तो आपकी स्किन काफी जो है वो डल और डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जस्ट मिस्ट जो है वो अपने फेस पे कर लें। इसी तरह विंटर्स में जो है मेकअप से पहले और मेकअप के बाद भी जो है आप मिस्ट के तौर पर रोज वाटर यूज कर सकते हैं और साथ साथ अपनी डेली स्किन केयर के अंदर भी मिस्ट को जरूर यूज करें आफ्टर क्लींजिंग। ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है, इसके ऊपर यूं करके स्प्रे बॉटल दी गई है, तो इजीली जो है वो आप अपने फेस पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये मैंने ऑलमोस्ट जो है वो खत्म कर दी है। ये बहुत अच्छा है कि आप इसे दिन में 2-3 दफा इजीली आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, तब बहुत अच्छा है। आप एज अ टोनर इसको जो है वो डेली स्किन केयर के अंदर यूज कर सकते हैं क्योंकि टीन एज स्किन के अंदर सीरम की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि स्किन के कोई ऐसे खास इश्यूज नहीं होते जिसके अंदर जो है वो सीरम को एड किया जाए। तो आप सीरम को कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए और इसकी जगह ने लगाना है मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली तो आप यूज करें पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर, और अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आप यूज करें निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। इसके अलावा आप बेबी लोशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी लोशन जो है वो एक्नी देते हैं क्योंकि वो पोर को क्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से एक्नी का सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है ये बहुत अच्छी हैं, ये पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉक नहीं करती और इसके अलावा बहुत इनकी लाइट सी फ्रेग्रेंस है और जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। सेम ही प्राइस पर आती है 300 to 350 के अराउंड में और आप इसको ले सकते हो। ये काफी सारी क्वांटिटी के अंदर आती है, 100 ml की क्वांटिटी। इस तरह की पैकेजिंग में
दोनों क्रीम्स की बॉटल्स आती हैं, ऊपर सील टॉप लगा हुआ होता है, व्हाइट कलर की क्रीम है ये, इस तरीके की सुपर लाइट क्रीम है और फौरन से स्किन में जो है ये एब्जॉर्ब हो जाती है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है तो बिल्कुल नजर नहीं आती, कोई व्हाइट कास्ट नहीं है इन क्रीम्स का। तो ओवरऑल ये पॉकेट फ्रेंडली क्रीम्स हैं और आप इन दोनों क्रीम को एज अ मॉइस्चराइजर लाजमी आपने इसको दिन और रात के अंदर यूज करना है ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। जब आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो फिर वो कभी भी जो है वो डल नजर नहीं आएगी, क्योंकि डिहाइड्रेटेड स्किन जो है वो ही डल नजर आती है। और मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक जो है वो आपके बेहतरीन BFF है, तो इनको कभी भी अपनी स्किन केयर के अंदर स्किप ना करें। लास्टली आपने अप्लाई करना है सनब्लॉक ऑन डेली बेसिस, इसको आपने कभी स्किप नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे टैनिंग ना हो, आपको सनबर्न ना हो और आपको एजिंग प्रोसेस जो है वो आपका जल्दी स्टार्ट ना हो। ये है सोलेरन का SPF 60 सनब्लॉक जो कि UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ऑयल फ्री है, आप कोई भी स्किन टाइप हो चाहे ऑयली हो या ड्राई आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, वाटर रेजिस्टेंस है, कोई वाइट कास्ट नहीं देता, पैराबिन फ्री है और इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होता, नॉन कोमेडोजेनिक है यानी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता और जिसकी वजह से एक्नी नहीं होती और पैराबिन फ्री भी है। ये पॉकेट फ्रेंडली है, ये है जस्ट 450 रुपीज़ का और इजिली हर केमिस्ट शॉप पर और ऑनलाइन जो है ये अवेलेबल है। ये इसकी जस्ट आपको थोड़ी सी ही क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है और आपने इसको लगाना है कम से कम 30 मिनट या 20 मिनट बाहर निकलने से पहले ताकि ये अपना असर जो है वो ज़्यादा अच्छा रखे और आपको टैनिंग जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। जब हमारा दौर था उस वक्त हमें कोई बताने वाला नहीं था तो जिसके वजह से हमारे हाथ पांव और मुंह काफी जो है वो डार्क हो गया था, इसी वजह से कि हम लोग धूप में फिरते रहते थे बिना सनब्लॉक लगाए। तो आपने गलती नहीं करनी और सनब्लॉक जो है वो अर्ली एज से ही स्टार्ट कर देना है। स्कूल जा रहे हैं या फिर आप कॉलेज जा रहे हैं, सनब्लॉक को कभी भी स्किप ना करें। चाहे तो आप अपनी स्किन केयर के अंदर मास्क को ऐड कर सकते हैं, मास्क जो है वो वीकली आपको यूज करना चाहिए, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो आप अपनी स्किन केयर के अंदर मास्क को जो है उसका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वीकली आप कर सकते हैं संडे टू संडे। तो ये बहुत अफोर्डेबल मास्क है, ये है बोटैनिकल का क्ले मास्क, क्योंकि इस एज के अंदर मैंने पहले बताया कि सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो क्ले मास्क जो होता है यानी चिकनी मट्टी के जो मास्क होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत हमारी नानी दादी के जमाने से जो है ना वो चिकनी मट्टी वाले क्ले मास्क जो है वो यूज किए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो स्किन के ऊपर से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पोर्स को क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से एक्नी और पिंपल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा इस एज के अंदर कोई दूसरे स्किन इश्यूज का सामना करना नहीं पड़ता, तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत अपने स्किन पर नहीं है कि जो बहुत ज्यादा केमिकल जिनमें ऐड किया हुआ हो। तो यह है बोटैनिकल का वंडर्स क्ले मास्क और ये बहुत बड़ा जार है और इसकी क्वांटिटी जो है वो काफी सारी है, क्योंकि बहुत बिग जार है, ये इतना बड़ा बिग जार है और ये बहुत सारा इसके अंदर क्ले मास्क पाउडर की शक्ल में दिया गया है और इसकी प्राइस जो है जस्ट 380 रुपीज है। और ये मास्क जो है ये इस तरीके से खुल जाता है और इस पे डबल कैप लिड लगी हुई है और ये इस तरीके की क्ले मास्क है, ये पाउडर फॉर्म के अंदर है। ये आपने थोड़ा सा जो क्ले मास्क है वो ले लेना है लाइक 1 टीस्पून के करीब और उसके अंदर आपने ऐड करना है, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड डल हो रही है तो फिर आपने इसमें यूज कर लेना है 2-3 स्पून मिल्क के, और अगर आपकी स्किन ऑयली हो रही है तो आपने यूज कर लेना है इसमें 3-4 स्पून रोज वाटर के और उसको मिक्स करके आपने जस्ट उसको अप्लाई कर लेना है और 10-15 मिनट्स लगा रहने देने के बाद आपने ये मास्क जो है वो पानी से रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव ग्लो जो है वो घर बैठे मिल जाएगा और आपको कोई केमिकली ट्रीटेड मास्क अपने फेस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जब आप अपने फेस का ख्याल रखते हैं तो फिर अपने हाथों और पैरों इनकी भी स्किन को कभी मत भूलिए, तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो है वो लाजमी इस्तेमाल कीजिए फॉर योर हैंड्स एंड फीट, अच्छे नज़र आए, क्योंकि अगर आपका फेस बहुत अच्छा लग रहा है और आपके हाथ और पांव अच्छे नहीं लग रहे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहीं पर ही किल हो जाता है। तो इसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं, ये है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजिंग लोशन, कोई सा भी लोशन यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, ये भी पॉकेट फ्रेंडली है और ईजिली जो है 300 रुपीज़ का मिल जाता है। बॉडी लोशन विंटर्स के साथ साथ समर्स में भी लाजमी यूज करने चाहिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो आई होगी पसंद, अगर आपको पसंद आई है तो आपने क्या करना है, आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ऐसे मजे मजे की वीडियोस देखने के लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।